आप सबको मैं हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आपका वेलकम है अपने एक और न्यू व्लॉग में। आप आए हैं आदर्शनी व्लॉग्स पे, तो आप अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपनी सुबह अपनी हम वॉक करके आए थे, ली और मैं और मम्मी जी भी थी। और अब हम आके अपना मिल्क पीते हैं, तो दूध पियेंगे, एक गिलास लो, आज दूध का गिलास लेते हैं। चलिए तो फिर उठा ले, ये हम उन्होंने मिल्क का गिलास उठा लिया। तो फ्रेंड्स, आज मुझे स्कूल भी जाना है, क्योंकि आज मेरी टर्न है, कल ली गया था। तो आज मुझे स्कूल भी जाना है। तो और ये हमारे दूध के साथ हमारे दिन की सबसे अच्छी शुरुआत। अब मैं आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अभी मम्मी जी ने खाने में बनाया है आलू बैंगन की सब्जी, और ये आलू बैंगन की सब्जी, ये मेरी प्लेट है दही, ये रोटी, इसमें मक्खन, दही हरी मक्खन भी हरा, और यहाँ मम्मी जी रोटी बना रही हैं। आप देख सकते हैं कि रोटी कैसे फूलेगी। ओए, इसकी तो गैस ही निकल गई सारी। देख सकते हैं हमारी शेरू की रोटी बनी है इतनी बड़ी वाली। अब इस पे थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे, क्योंकि वो बिना मक्खन की रोटी नहीं खाता, सूखी रोटी। इसे हम लो फ्लेम पे हल्का हल्का कर रहे हैं गरम। ये शेरू, उसके एक दो फ्रेंड कालू आलू की भी आधी आधी होगी। हमने रोटी ये बनाई थी हमारे शेरू और कालू के लिए। कालू, और देखते हैं शेरू कैसे कैच कर पाता है कि नहीं। अरे यार, शेरू ऐसा नहीं कर पा रहा। कालू ली, कालू को रोटी देगा, कालू खा। मम्मी बना रही है पेटे की सब्जी। तो ये रखा है अपना, काट के रखा है मम्मी ने पेटा। अब इसमें मेथी का छोंक लगेगा। मम्मी जी, इसमें ना जीरे का क्यों नहीं लगता? ना ओनली मेथी, नो प्याज, नो कुछ। तो फ्रेंड्स, इसमें खाली ओनली मेथी का छोंक लगता है। अब इसमें पेठा डाला जाएगा थोड़ा। ये मम्मी जी बना रही हैं। पेटे की सब्जी देख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर चीनी डाली जाएगी। मम्मी जी हमेशा पेठा मीठा बनाती हैं, हमें खट्टा पसंद नहीं लगता। इसमें एक और चम्मच चीनी डाली गई। ये पेटे की सब्जी तैयार हो, बस इसमें इसे इस करछी से घुमाना है, जिससे पूरी चीनी मिक्स हो जाएगी। मम्मी बहुत ही टेस्टी लगती है ना ये, जो चीनी के दाने इसके अंदर पानी के अंदर घुल जाएंगे ना एकदम। हाँ भाई, अभी टाइम हो रहा है, क्या कहते हैं, कुछ 7:30 हो रहे हैं ना। तो आज ये लिए हमको क्यूब सॉल्व करके दिखाएगा। मैं ये रूबिक्स क्यूब होता है ना, ये कितने साइज वाला है? 3x3 का है। करना आता सॉल्व? हाँ। अच्छा, तो मैं इसे उलझा के देता हूँ। देखो अभी तो बिल्कुल ये सॉल्व है क्यूब, तो मैं इसे उलझा के देता हूँ पूरा। चलो अभी उलझाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ली को पूरा क्यूब, ये जो क्यूब था पूरा उलझा दिया है। अब देखते हैं कि ली सॉल्व कर पाता है कि नहीं। तो एक बार कोई ट्रिक होती है किसी सॉल्व करने की? और क्या, मेरे ट्रिक क्यों नहीं सकता। तो यहाँ पे आदर्श ने मेरे को पूरा क्यूब उलझा के दिया, मैं इसे सॉल्व करूँगा। आप देख सकते हैं मैंने इसे पूरा क्यूब उलझा दिया है। चलो आ जाओ, ये सॉल्व करता है, आ जाओ सॉल्व कर। तो ये अभी ली क्यूब सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा है। कितना टाइम लग सकता है? हो जाएगा थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, ताली बजा दी गई, इसने क्यूब सॉल्व कर दिया।
मुझसे तो आज तक नहीं हुआ, इसने पूरे एक खाली वन मिनट में कर दिया सॉल्व। वाह भाई वाह, मौज कर दी इतनी जल्दी सॉल्व। आप देख सकते हैं आपके पास पूरा प्रूफ तो दिखाया गया है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। अब लेयर भाई यार, कल से मैं भी तेरे पर ट्रेनिंग लेने आऊँगा क्यूब सॉल्व करने की। आ जाना, 150 रुपये लेगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता नहीं होगा कि ये जो लीने क्यूब मंगाया था, मम्मी जी से बहुत जीत गई थी। 2-3 दिन बाद इसके बेचारे का क्यूब आया था, है ना। अब फिर इसने पता नहीं बहुत मुश्किलों में से सीखा है, बहुत मुश्किलों में सीखा है, पूरा खोल खोल के सीखा मैंने से। खोल खोल के हमें भी दिखा दो एक बार, खोल खोल के। तेरे से खोलने के बाद भी नहीं जुड़ेगा, मुश्किल होता है ना। आप देख सकते हैं लीना पूरा क्यूब खोल दिया। क्या ये अंदर से ऐसा दिखता है? देख सकते हैं कि फ्रेंड से अंदर से क्यूब कैसा दिखता है, क्या है और उसमें इतना सब कुछ जुड़ जाएगा। हड्डियों का ढांचा है, हड्डियों का ढांचा। अब हमें ढूंढना है रेड और येलो का, ये रहा। अभी लीज क्यूब को जोड़ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे इन्हें। देखो पूरा खोल तो दिया है क्यूब, अभी इसे जोड़ेगा भी, आपको दिखाता हूँ। तभी लीज को जोड़ रहा है, रेड वाइट ग्रीन रेड कर दो। वाइट रेड ब्लू, अब चाहिए मैं ब्लू रेड येलो, ब्लू रेड येलो, ब्लू रेड येलो। कदे कदे ब्लॉक का बड़ा भी होना चाहिए। आप देख सकते हैं लीज में कैसे पूरे, जैसे बिजली के तार फिट नहीं होते वैसे लीने क्यूब फिट कर रहा है। कितना टाइम लग सकता है लीज में? अब ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट। आप देख सकते हैं कि क्यूब सॉल्व होने लग गया है। इसे करने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी होता है, हर पीस को देखना पड़ता है कहाँ लगना है। दो लेयर बन गई, एक लेयर और रह गई ना। इसमें पूरा अंदर एक सर्कल बन जाता है जब ये सारा जुड़ जाता है। ये दिख रहा है सर्कल के आउटर लेयर, ग्रीन येलो ऑरेंज। आप देख सकते हैं ये पूरी तीसरी थर्ड लेयर भी स्टार्ट हो चुकी है बननी। लॉक हो गई इधर से, इधर से लॉक करनी पड़ेगी। वो छोटी सी लेयर रह गई। अभी लास्ट रह चुका है इसका, देख सकते हैं कि लीने ऐसे ऐसे बड़े मुश्किलों में सीखा है क्यूब करना, सही का सही बना दिया इसने दोबारा। एक वो बना के देखो इसका स्टाइल, बीच में अलग कलर होगा और सारी तरफ अलग कलर होगा। चलो करो, देख इधर इधर इधर, ये दोनों तरफ सिंपल है और इधर सब में कलर है। तो फ्रेंड्स, इसने पता नहीं क्या कर दिया, इधर भी देखो अलग कलर, इधर भी अलग कलर, इधर भी, इधर भी अलग कलर। तो देख सकते हैं कि अभी कितना उसने बहुत बढ़िया कर दिया। तूने तूने कब सीखा है? देख एक और दिखाता हूँ मुझे। अभी इसे वापस सॉल्व कर रहा है,
मैं सोल्व होने वाला है, पूरा कर दिया। अब देख सकते हैं इसका पूरा स्टाइल, ये देखो इधर चारों तरफ नीला कलर है, फिर अंदर क्या कहते हैं ओरेंज येलो, इस तरफ सब में रेड है, अंदर ब्लू, सब में ग्रीन, अंदर वाइट, ओ भाई सब में वाइट, अंदर ऑरेंज, सब में ऑरेंज, अंदर ग्रीन। वाह भाई वाह, बड़ा होशियार हो रहा है। देखा हो गया सॉल्व, ये क्यूब सॉल्व कर रहा है अभी, वापस सही कर रहा है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।